नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास मामूली बात को लेकर हुए विवाद के दौरान युवकों ने की फायरिंग, गोली लगने से एक युवक गंभीर घायल। जालंधर की नई बारादरी थाना की पुलिस ने सूफी गायक को ब्लैकमेल करने वाले एक फर्जी पत्रकार को किया काबू। हिंदू व सिख समाज के लोगों ने नाम पर ऐंठ रहा था पैसे। अमृतसर थाना छेहरट्टा की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चार युवकों को धर दबोचा। निशानदेही पर चोरी की 20 मोटरसाइकिलें की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा क्षेत्र के जोड़ा फाटक के पास मामूली बात को लेकर हुए विवाद के दौरान कुछ हमलावरों ने युवकों के घर के बाहर फायरिंग कर दी। इस गोलाबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीबन 7 गोली के खोल बरामद किए हैं। वीडियो में युवा सार्वजनिक रूप से हवा में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने जोड़ा फाटक निवासी मोहित महाजन सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं जोड़ा फाटक निवासी पलविंदर सिंह ने बताया कि वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। इस दौरान जब वह भोला चक्की वाला के नजदीक पहुंचा तो मोहित महाजन भी बाइक पर वहां से गुजर रहा था। उन्होंने कहा, संकरी लाइन होने के कारण दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। मोहित शराब के नशे में था और उससे बहस करने लगा। इसी दौरान उनमें हाथापाई भी हो गई, लेकिन आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत करवाया, जिसके बाद वे अपने घर लौट आए। इसके बाद करीबन 1.5 घंटे बाद आरोपी मोहित महाजन अपने साथी साहिल भट्टी व करीब 10-15 साथियों के साथ उनके घर के बाहर आ गए और गाली गलौज करने लगे। तो वहीं इस घटना संबंधी मोहकमपुरा थाना प्रभारी शमिंदरजीत सिंह ने कहा कि मोहित महाजन सहित 8 लोगों और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। सभी आरोपी घरों पर ताला लगाकर फरार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक लड़का है जी पलविंदर सिंह, जेड़ा कि धर्मपुरा जोड़ा फाटक लागे रहिंदा है। वो कितने अपने कल बर्थडे पार्टी, अपने रिश्तेदारों की जन्मदिन की पार्टी तो आ रहा सी। रस्ते जदों भोले वाली चक्की वाली गली पहुंचा तो उत्थे कोई मुंडा हैगा मोहित महाजन, एक्टिवा से आ रहा है। इन्हों का आपस च कित कोई मोटरसाइकिल अगे लाने तो इन्हों का आपस तकरार हो गया, तो जो आपस उत्थे हत्तोपाई हो पे। उस तो बाद गली महल वाले ने इन्हों बिठा के इन्हों का राई नामा करा दिता। तो उस तो बाद जो कोई 1-2.5 घंटे बाद ये अपनी जोड़े है मोहित होनी मोहित महाजन तो साहिल सुनियारा जेडे उन्होंने घर आके उन्होंने घर पै गए। उत्थे तो हवाई फायरिंग भी की है, तो जो ये मुंडा जरा पलविंदर सिंह बाहर निकलिया तो वो उपर फायरिंग की गई, जो वो खब्बे चूले से लगी एक गोली लगी, एक खब्बे चूले ने छू के निकल गई। वो तो इस संबंधी FIR दर्ज कर दी गई है। तो जरा मुदई के मुताबिक तो 7-8 बंदे है। सूफी गायक को एक कवाली में गलत टिप्पणी करने का बोलकर हिंदू सिख समाज की तरफ से शिकायत देने का डरावा देकर मानसिक तौर पर परेशान करके पैसा वसूलने वाले एक फर्जी पत्रकार को खुद सूफी गायक ने घेर लिया। सूफी गायक ने हिंदू तालमेल कमेटी और सिख तालमेल कमेटी को भी मौके पर बुला लिया, जिसके बाद फर्जी पत्रकार की सारी पोल खुल गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सूफी गायक बंटी कवाल ने बताया कि उसने 2 वर्ष पहले एक कवाली गाई थी जो YouTube पर भी उपलब्ध है। उस कवाली को लेकर एक न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले पत्रकार का फ़ोन आया और उसने कहा कि उक्त कवाली में धार्मिक भावनाएं आहत करने की लाइनें गाई गई हैं, जिसे लेकर हिंदू व सिख समाज के लोग उसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर को कर रहे हैं। फर्जी पत्रकार ने अपने न्यूज़ पोर्टल का टैग लगाकर उसे खबर भी भेजी, जिसमें शिकायत देने की बात लिखी गई थी।
यह सब देखकर वह दंग रह गया। जिसके बाद उसने जब फर्जी पत्रकार से संपर्क किया तो उसने हिंदू सिख संगठनों के साथ सेटिंग करवाने की बात कही और उन्हें देने के लिए 1,00,000 रुपए की मांग रखी। बंटी कवाल का कहना है कि वह इससे काफ़ी डर गया और मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान भी हो गया था। उसने किसी जानकार से इस संबंधी बात की और सिख तालमेल कमेटी से संपर्क किया। सिख तालमेल कमेटी ने कवाल को इस बारे में कोई जानकारी ना होने का कहा, जिसके बाद बंटी कवाल ने फर्जी पत्रकार को 1,00,000 में से 10,000 रुपये देने के लिए पुलिस लाइन रोड पर बुला लिया। इस दौरान वहां पर कुछ पत्रकार भी पहुंच गए, जिसके बाद फर्जी पत्रकार को एक ऑफिस में बिठाकर उसे 10,000 रुपये दे दिए गए। और जैसे ही पत्रकार मौके पर पहुंचे तो बंटी कवाल और उसके साथियों ने फर्जी पत्रकार को घेर लिया। मौके पर पहुंचे हिंदू तालमेल कमेटी के ईशांत शर्मा और सिख तालमेल कमेटी के तजिंदर सिंह परदेसी ने फर्जी पत्रकार को दिए रुपए वापस लेकर उससे दोनों संगठनों के सदस्यों के नाम पर वसूली करने का विरोध जताया और पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद थाना नई बारादरी के प्रभारी अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर फर्जी पत्रकार को काबू कर लिया और उसे थाना ले गए। पुलिस ने फर्जी पत्रकार से एक दिल्ली के नंबर की कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक साढ़े को इनफॉरमेशन कंट्रोल रूम तो आई सी भी एक गैदर हुए हैं बंदे प्रेसिडेंट होटल के बाहर जिते एफ आर सी की मतलब उत्थे और जाके वो देखा सी एक लड़का हैगा कि मुंडा हैगा जगत माहर उर्फ बंटी कवाल मशहूर है बंदा ये कवालियाँ गाँव इन्होंने दसिया कि यह एक कवाली इन्होंने गाई सी कोई 2019 के उदे विच वर्डिंग सी सोने दे सिक्के चार दे जुत्ते फकीर दे और शेरां दे थप्पड़ मार दे कुत्ते फकीर दे। तो जो इस जिहड़े गाने दे विच वर्डिंग आई है शेरां दे थप्पड़ मार दे इस चीज़ नूं लैके किसी एक पत्रकार ने जिहदा नाम एस के सक्सैना है उन्होंने इहनूं ब्लैकमेल करना शुरू किया भी तेरे अगेंस्ट जिहड़े सिख जथेबंदियां भी वह तेरे अगेंस्ट आ क्योंकि शेर आपां कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहिंदे आ। तो जबकि सिख तालमेल कमेटी नाल उन्होंने आके लड़के ने संपर्क किया है उन्होंने वर्डिंग सुनाई है उन्होंने इतने कोई इतराज नहीं किया और गाना भी काफ़ी पुराना सीगा। सर कोई बरामदगी भी हुई? हाँ इस 10,000 इन्होंने जिहड़ा दिता सीगा उहदे कोलों बरामद किया है। तो उत्ते आपां यस पत्रकार कह रहे हैं और अमृतसर में चोरी और लूट की घटनाएं लगातार ही बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा शहर की अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी कर हर संदिग्ध वाहन की बारीकी से जांच की जा रही थी। अमृतसर थाना छेहरट्टा की पुलिस को तब सफलता मिली जब पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में रोका और रोकने के बाद पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की तो पुलिस ने उसके दो और साथियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की कुल 20 मोटरसाइकिलें बरामद की। अमृतसर पुलिस अधिकारी गुरविंदर सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए आरोपियों की पहचान विशाल उर्फ करण और हरजिंदर सिंह उर्फ लड्डू के तौर पर हुई है, जिनकी निशानदेही पर उनके दो और साथी आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश और गुरविंदर सिंह उर्फ गुर्जर को भी गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की तो इनके पास से अलग अलग जगहों पर चोरी की 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने इन मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में लेकर चोर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड हासिल कर लिया। चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि इन लोगों के पास से बरामद मोटरसाइकिलों के इंजन नंबर तथा चेसी नंबर भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल इन मोटरसाइकिलों में से है तो वह अमृतसर पुलिस स्टेशन छेहरट्टा में भी आकर अपनी मोटरसाइकिल ले सकता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इन्हों के दो होर साथी जोड़े आ मुकदमे नामजद किए जिन्ह का नाँ आकाशदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी पंजवाड़ गुरविंदर सिंह गुजर पुत्र मनजीत सिंह वासी पंजवाड़। टोटल चार दोषी जोड़े आ मुकदमा नंबर 221 मिति 10/9/22 अधीन धारा 379 411 473 IPC थाना छियाटा के गिरफ़्तार किया।
और दौराने तफ्तीश ASI बलविंदर सिंह ने बड़ी वधिया मेहनत नाल काम करते हुए चार दोषियों के कोलों हुण तक टोटल 20 मोटरसाइकिल जिहड़े इन्होंने वख-वख थावां तों चोरी किए वो बरामद किए ने, जिन्हां दे विच 15 स्पलेंडर मोटरसाइकिल ने, 3 पलटीना ते पैशन प्रो 2 मोटरसाइकिल ने, टोटल 20 मोटरसाइकिल असीं इन्हां तों बरामद किए। धूरी शुगर मिल की तरफ से किसानों के गन्ने की फसल को लेकर 8 करोड़ रुपए का बकाया लंबे समय से चला आ रहा है। किसानों ने समय समय की सरकारों से इस बकाए को रिलीज करने की मांग की, लेकिन अभी तक यह बकाया रिलीज नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा भी सत्ता में आने से पहले किसानों को विश्वास दिलाया गया था कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम उनकी फसल का बकाया वापस दिलाने का किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह बकाया वापस नहीं हो पाया है और मिल को बेचने की बात बाजार में आ गई, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा शिखर पर पहुंच गया, जिसके चलते किसानों ने शुगर मिल को बेचने के लिए आए अधिकारियों और एक्साइज विभाग के अधिकारियों, जिनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि सन 1974 से 48 करोड़ रुपए मिल की तरफ बकाया है, इसलिए मिल को बेचने से पहले उनका बकाया क्लियर किया जाए, उन्हें भी किसानों द्वारा मिल के अंदर बंदी बना लिया गया है। अब मिल में काम करने वाले कर्मचारी ही बाहर आ जा सकते हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी को बाहर या अंदर आने की छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पहली गल तो भी बोली नीति होनी ना बोली किसी ने करनी है, ये तो किसानों नू बुद्धू बनाउण वास्ते सारा सिस्टम जिहड़े ताने बाणे ने वो किसानों नू एवें मतलब टकाउण वास्ते जां कह लो हुण जां जिहड़े लोकां दा नहीं गन्ना वजे बीजिया होया उन्हां नू दिखाउण वास्ते सरकार की चाल ला लो जां प्रशासन की चाल ला लो भी लोग टिके रहणगे भी सरकार तां लगी हुई आ जी प्रशासन लग्या होया मिल वेच के किसानों नू पैसे देऊगा। होया की पहली गल तां मान लो असीं 9 बजे ते बैठे हाँ, प्रशासन बोली करन 12 बजे मान लो अजे सलाह करता भी 12 बजे आवेंगे, 12 बजे प्रशासन आता, 12 बजे आता तो नाल एक टीम होर लिया तहसीलदार साहब हुणी जिहड़े कहिंदे भी 1974 का साडा टैक्स रहिंदा जी, वह पतंदरों 1974 का टैक्स रहिंदा, तुसीं अज तक इन्हां दे घरे सापा ही नहीं मारिया, तुसीं मल्ला गज्जण माजरे दे घरे मल्ला सापे वजदे देखे ने, मैं इन्हां दे आया ही नहीं कहिंदे ने उहदे नाल कोई 1974 का किन्ना टैक्स कहिंदे ने 41 करोड़ रुपया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने जालंधर में कपूरथला रोड स्थित वरियाणा गांव के बाहर धरना लगा दिया है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी मांगे मनवाने के लिए रोष प्रदर्शन जाहिर किया, जिसमें पंजाब के पानी, MSP गारंटी, किसानों को जमीनी हक देने, किसानों के कर्ज माफी सहित कई मांगे शामिल रहीं। इस दौरान आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कपूरथला में जिला प्रधान सरवन सिंह बाऊपुर ने कहा कि सरकारों को चाहिए कि वेस्ट पानी को ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर साफ कर खेतों को दिया जाए। कपूरथला में जिला प्रधान सरवन सिंह बाऊपुर ने कहा कि सरकारों को चाहिए कि वेस्ट पानी को ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर साफ कर खेतों को दिया जाए, दरिया नहरें व वही के पानी को गंदा होने से बचाया जाए। गौरतलब रहे कि 2 दिन पहले भी किसानों ने कपूरथला और बुलत में भी धरना दिया था। इस दौरान कपूरथला में किसानों ने विधायक राणा गुरजीत सिंह और विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह की रिहायश के समक्ष धरना दिया था, जबकि बुलत में विधायक सुखपाल सिंह खैरा के निवास के समक्ष धरना लगाया था। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज का जड़ा काला संघिया ट्रेन को लैके 14 सितंबर का धरना कपूरथला जनरल रोड से रखा गया सी। ये धरना एक्शन कमेटी और बाबा लीडर सिंह जी की रहनमई हेठ रखा गया है। ये मेन पानिया का मुद्दा है, क्योंकि जोड़ा पानी है बहुत जहरीला हो सकता काला संघिया ट्रेन के कोशिशा पिछले 10-12 साल तो चल दया आ रही हैं। उन्होंने कोशिशों तो बाद सरकार ने कुछ भी अजे नहीं किया, जे किया तो तिल मात्र किया उसू दोबारा मुद्दे उछालन वास्ते अपने हकों लैन वास्ते, क्योंकि इस जी ड्रेन के उत्ते पेंदे पिंड आ वो सारे लोग बीमार हो चुके हैं, कोई कैंसर का मरीज है, कोई लीवर का मरीज है, तो कोई चमड़ी का मरीज है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने लुधियाना में एक प्रेस वार्ता कर भगवंत मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा पिछले 8 वर्षों से भारत की जनता के जनादेश देकर दिए गए बहुमत के चलते देश की सत्ता संभाल रही है। शर्मा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी यह लोग घबराए हुए हैं,
इनको खतरा केजरीवाल से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंघल की अध्यक्षता में लुधियाना के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अश्विनी शर्मा ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि दरअसल बड़ी देर से अरविंद केजरीवाल की नज़र पंजाब की सत्ता पर है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर अंकुश लगाने के लिए अपने खासम खास नेता राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री भगवंत मान के सिर पर बैठाया हुआ है, जिससे मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा उनके सभी मंत्री व नेता तंग एवं परेशान हैं। अश्विनी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा अपनी नाकामियों का ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले केजरीवाल भी दिल्ली में यही सब करते रहे हैं और अब पंजाब में ऐसा किया जाने पर प्रदेश की जनता इनके झूठ पर विश्वास नहीं करेगी। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी लुधियाना राकेश राठौर, पंजाब उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल, प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता, भाजपा प्रदेश के कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देवी, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल सरीन, जिला महामंत्री कातेंद्रु शर्मा, जिला प्रेस सचिव डॉक्टर सतीश कुमार सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। स्टेट दे फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब ने बेबुनियाद तथ्यहीन झूठ से आधारित आरोप भारतीय जनता पार्टी ते लगाए ने। मैं उदी नखेदी भी करदा और चीमा साहब नूं इह कहना चाहना कि इतना प्रचंड बहुमत तुहाडे कोल है, तुहानू भारतीय जनता पार्टी तो कोई खतरा नहीं है, तुहाडे प्रचंड बहुमत नू लड़ाई तुहाडे अपने घर दी है। जदों भी पंजाब दी मान सरकार नू खतरा पैदा होना है, दूसरियां पार्टियां तो नहीं होना, अरविंद केजरीवाल तो खतरा पैदा होना है। गत दिनों आम आदमी पार्टी के मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से भाजपा के खिलाफ की गई प्रेस वार्ता के बाद लगातार ही दोनों पार्टियों में शब्दी जंग जारी है, जिसके चलते एक बार फिर भाजपा नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका की ओर से हरपाल सिंह चीमा के ऊपर शब्दी वार किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ऑपरेशन नोटिस चला रही है, जिसके चलते जिन लोगों ने घपलेबाजी की है उन पर ईडी की रेड चल रही है। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आकर इस बात का जवाब दें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार झूठे वायदे कर पंजाब की सत्ता में आई है, जिस पर बहुत जल्द ही भगवंत मान और केजरीवाल पर कार्यवाही होने जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी कई दिन से नाटक कर रही है। असल में जो भगवंत मान जी और केजरीवाल जी जो डरे हुए हैं, वो इस बात से डरे हुए हैं कि वो कह रहे हैं हरपाल चीमा जी कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। भैया, हम ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन नोटस चला रहे हैं, जो केजरीवाल की टीम के खिलाफ है, जिन्होंने शराब माफिया किया, लैंड माफिया किया, सैंड माफिया किया, ये ईडी के नोटस उनको आने की कोशिश हो रही है और आप उन नोटसों से डर करके आप लोटस नोटस कह रहे हो। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जल्दी कानूनी कार्रवाई आप लोगों के ऊपर की जाएगी। भगवंत मान और केजरीवाल में अगर जरूरत है तो सीधे आकर के इल्जाम लगाएं। CPIML लिबरेशन और पत्रकार भाईचारे की ओर से SDO पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन जंडियाला गुरु कार्यालय के समक्ष जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया गया और बेपरवाह बने हुए SDO को जनता की मुश्किलों की आवाज सुनाने के लिए उनके दरवाजे के आगे ढोल बजाया गया। गौरतलब रहे कि जंडियाला गुरु डिवीजन में जनता की ओर से ढोल बजाने की खबर मिलने के बाद जब पत्रकार इन अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए XCN मनिंदर पाल सिंह और SDO राहुल ग्रोवर सिंह के कार्यालय में गए तो वे अपने कार्यालय से भाग गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉमरेड निर्मल सिंह ने बताया कि वैसे तो पावर कॉम की लापरवाहियां और नाकामियां आम देखने को मिलती हैं, लेकिन अब मुख्य समस्या यह थी कि मंजीत सिंह मिंटू और अन्य 5 डेयरियों की बिजली कई वर्षों से ट्रिप कर जाती थी।
वोल्टेज एकदम से कम हो जाती थी, जिस कारण पंखे और अन्य उपकरण एकदम से रुक जाते थे, क्योंकि ट्रांसफार्मर इनके घरों से बहुत दूर है और सप्लाई वाली केबल भी पुरानी हो चुकी थी, जिसे बदलने के लिए उक्त पार्टी के नेता और पत्रकार कई बार एक्सएन जंडियाला गुरु और एसडीओ को मिले, पर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिससे गुस्साए लोगों की ओर से ढोल बजाकर यह रोष प्रदर्शन किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जे साडा मसला जिहड़ा एक दो दिन दे विच नहीं हल हुंदा, ये पब्लिक का मसला जे ना हल होया ते असी इन्हां अफसरां दे मुहियां गाड़ी वड्डा एक्शन करके इन्हां नूं बाहर निकलना जिहड़ा ओह मुश्किल कर देवांगे। सर तुसीं ऐन मौके ते बीज बोर्ड दे चाहे तुहानूं उहदा नूं पूरा स्टाफ मिला दफ्तर दे विच? कोई दफ्तर किसे इस वेले ना एसडीओ आ एक्शन दफ्तर असीं जाके वेखण लगे आं ते इत्थे अक्सर ही जिहड़ा दो तीन बजे तो बाद कोई अफसर बहुत घट ही बहुत घट चांस है जिहड़ा मिल जाण, ते असीं एक्शन दे ध्यान च लिआंदा भी तुसीं इहदी बदली